आप लोग देख रहे हैं कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये भारत बंद खास तौर पे आपको बता दें कि जो आरक्षण में पदोन्नति में खत्म किया गया है, और ये लोग कहते हैं कि आरक्षण, मैं उनको बता देता हूँ कि ये आरक्षण नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। जो वर्षों से, हजारों वर्षों से हमारे समाज के लोगों को दबाया कुचलाया गया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये अधिकार दिया कि समाज में इक्वालिटी कैसे आ सकती है, तो ये आरक्षण एक ऐसा माध्यम था जो उस जगह पे लोग जा सकते हैं। इसलिए भारत बंद बुलाया गया है भीम आर्मी और अन्य संगठन जितने भी राजनीतिक पार्टी है उन लोगों के द्वारा। अपना परिचय दे। मेरा नाम संतोष अम्बेडकर है, मैं मुजफ्फरपुर अम्बेडकर छात्रावास का छात्र नायक। सुप्रीम कोर्ट के मनवादी जजों के द्वारा जो ये आरक्षण पर आघात किया गया है, जो कहा गया है कि जो भी पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके विरोध में आज पूरा भारत भीम आर्मी के द्वारा बंद किया गया। मेरा नाम दीपक कुमार रंजन, महानगर अध्यक्ष।